नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पालिका प्रशासन ने जोशीमठ मुख्य बाजार में जन जागरूकता अभियान चलाया तथा लोगों से मास्क पहनने की अपील की। आपको बता दें कि कोरोना महामारी लगातार अपने पांव पसार रही है, जिसके कारण लोगों को मास्क पहनना तथा 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य है, जिसे देखते हुए बुधवार को नगर पालिका द्वारा मुख्य बाजार में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई। ये अभियान 7 दिनों तक चलेगा। मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा ₹500 अर्थदंड वसूला जाएगा। नगर पालिका द्वारा वाहनों से भी पूरे शहर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा पालिका के कर्मचारी प्रत्येक दुकानों में जाकर लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सत्य प्रकाश नौटियाल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क पहनने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा ₹500 अर्थदंड वसूला जाएगा। इसमें हमारे डायरेक्टर साहब के और शासन के जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं कि हमें 7 दिन तक जो है जो नगर क्षेत्र में बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको जो है हमने बताना है कि आप मास्क पहनो और जो मास्क नहीं पहनता है उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए गए हैं। और हम आज से 7 दिन तक आज भी हमने कई लोगों को जागरूक किया है और गाड़ियों से भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई सब लोग मास्क पहने, बिना मास्क पहने कोई बाजार ना आए।